हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं होमोनिम्स के ऊपर। होमोनिम्स मतलब एक ही जैसी साउंड या उच्चारण, लेकिन उनके जो वर्ड होते हैं मतलब अलग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनको हम होमोफोन्स भी कहते हैं। तो आज हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू वेरी मच, लेट अस स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होमोनिम्स होते क्या हैं। होमोनिम्स आमतौर हम देखते हैं कि उच्चारण में एक ही जैसे वर्ड होते हैं, बोलने में वो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब उनका मीनिंग देखें तो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे हम देखें अफेक्ट या इफेक्ट, अडाप्ट या अडेप्ट, एक्सीड या एक्सीड, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मतलब हम देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट है। इनका उच्चारण एक ही जैसा होता है तो, लेकिन मीनिंग और थोड़ा थोड़ा जो स्पेलिंग में भी फर्क होता है। तो हम पहला वर्ड आज देखते हैं हमारा अफेक्ट और इफेक्ट। ये देखो, बोलने में एक ही जैसे लगते हैं, अफेक्ट इफेक्ट। अब ये अफेक्ट जो मतलब यहां पे ए से शुरू हुआ है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू एक्ट अपॉन, यानी कि प्रभाव डालना, कि कोई चीज किसी के ऊपर प्रभाव डालती है। इसको हम यूज करते हैं एज वर्ब, जैसे द ड्रॉट अफेक्टेड द क्रॉप्स, जो सूखा पड़ा था उसने फसलों के ऊपर अपना प्रभाव डाला। तो प्रभाव डालने का मतलब क्या हुआ कि वो वर्ब के ऊपर, वर्ब के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। द ड्रॉट अफेक्टेड द क्रॉप्स, सूखे ने फसलों के ऊपर प्रभाव डाला। सूखे को हम एज सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अब इसी से मिलता जुलता देखो अफेक्ट इफेक्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, प्रभाव या रिजल्ट। और इसमें देखो, जैसे सेंटेंस बना के देखें, द इंटरनेट कंटेंट हैज ए बैड इफेक्ट ऑन यूथ। जो इंटरनेट है ना, उसके जो बीच में जो कंटेंट्स होते हैं, उसमें जो मटेरियल होता है, उसका जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इंटरनेट कंटेंट हैज ए बैड इफेक्ट। इफेक्ट यहां पे हम किसके यूज कर रहे हैं, नाउन के तौर पे, यहां हम यूज कर रहे हैं वर्ब के तौर पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बोलने में ये दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन इनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो अडाप्ट और अडेप्ट, ये अडाप्ट का मतलब होता है अकोमोडेट या अपने को मौके या हालात के मुताबिक बदल लेना, उसको कहते हैं अडाप्ट। अडाप्ट से एक वर्ड अडाप्टेबिलिटी भी बनती है, कि उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हर चीज को मौके के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ये हम ये कह सकते हैं अपने आप को मौके के मुताबिक बदलना या ढाल लेना। वन शुड अडाप्ट वन सेल्फ टू न्यू सर्कमस्टांसेस। किसी भी आदमी को अपने आप को जो हालात के, नई सरकमस्टांसेस हालात बनते, उसके मुताबिक उसको डाल लेना चाहिए। अब ये अडेप्ट देखो, ये अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण किसी चीज में। ही इज एन अडेप्ट इन सिंगिंग, वो जो है वो गाने में बड़ा निपुण है, बड़ा एक्सपर्ट है। ये इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये दोनों के भी मतलब देखे मतलब अलग है, लेकिन बोलने में उच्चारण में एक जैसे लग रहे हैं। अब ये दो वर्ड देखो, एक्सीड और एक्सीड, बोले तो एक ही जैसे है लेकिन ये एक्सीड का मतलब होता है, जो ए से शुरू हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। द टीचर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट फॉर लीव, जो अध्यापक थे उन्होंने मेरी जो छुट्टी की जो प्रार्थना पत्र था उसको स्वीकार कर लिया। और एक्सीड के साथ हम हमेशा ना वर्ब लगाते हैं, एक्सीड टू।
द टीचर एक्सीडी टू माई रिक्वेस्ट फॉर लीव। ये एक्सीड है, बोलने में वैसा ही ऐसा लग रहा है, इसका मतलब होता है बढ़ जाना, किसी जो लिमिट दी होती है लिमिट से ज्यादा हो जाना। तो जैसे राइट एन ऐसे नोट एक्सीडिंग 100 वर्ड, जैसे एग्जाम में कई बार दिया होता है ना इंस्ट्रक्शन कि ये ऐसे लिखो वो जो कि 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखो बोलने में ये भी दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगला वर्ड देखते हैं, ये देखिए ऑलरेडी और ऑलरेडी, ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये भी बोलने में एक ही जैसे आते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी, तो लेकिन इनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे ऑलरेडी इसका मतलब है ऑल आर रेडी, सभी तैयार हैं। दे वर ऑल रेडी टू प्ले क्रिकेट मैच, वो सब क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार थे। अब दूसरा इसका ही देखो ऑलरेडी, इसका मतलब होता है अर्लियर, पहले से ही, पूर्व में। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसको पहले ही बता दिया है। तो ये इन दोनों का देखेंगे तो बोलने में एक जैसे लेकिन मतलब में अलग। अब देखो अपोजिट और ऑपोजिट, ये भी बोलने में बड़े सिमिलर जैसे लगते हैं। ये अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, योग्य। हिज आर्गुमेंट्स वर नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट, जो वो बोल रहा था ना, अपनी तर्क दे रहा था, वो जो मुद्दा था उसके मुताबिक नहीं थे, उसके योग्य नहीं थे, उसके मुताबिक नहीं थे। ये अपोजिट का मतलब होता है कंट्रेरी, विपरीत। एक इसका मतलब ये भी होता है कि इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। जैसे इसकी एग्जांपल दे, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर जो है वो कॉलेज के बिल्कुल सामने है। तो अगला देखिए, ये हो गया एक्सेप्ट। असेंट और एक्सेंट, असेंट बोलने में ये भी दोनों एक जैसे लगते हैं। ये असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, स्वीकारोक्ति, मान लेना किसी चीज को। द बॉस गेव असेंट टू द प्रपोजल, जो बॉस था उसने जो है अपना प्रपोजल जो सुझाव का उसको मान लिया, उसको स्वीकारोक्ति दे दी। अब ये असेंट होता है, इसका मतलब होता है चढ़ना, गोइंग अप, मतलब चढ़ाई करना, ऊपर जाना। द लिफ्ट मूव्ड विद स्लो एक्सेंट, जो लिफ्ट थी बड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। तो इस तरह भी देखो इनके भी बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब में अलग होते हैं। अगला वर्ड देखते हैं अलाउड और अलाउड। अब ये भी बोलने में कहें तो एक ही जैसे है लेकिन इसका मतलब होता है हाई वॉल्यूम, ऊंचा स्वर, अलाउड का। तो इसका सेंटेंस बना के देखें, प्लीज स्पीक अलाउड, कृपा करके जरा ऊंचा बोलो। अलाउड इसका मतलब होता है परमिटेड, इजाजत दी किसी चीज की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही वॉज अलाउड टू एंटर, उसको अंदर आने दिया गया। तो ये भी एक सेट बना हमारा यहाँ पे अलाउड और अलाउड। अब ये देखो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, एडवाइस और एडवाइज। अब ये भी बोलने में एक ही जैसे है। ये एडवाइस का मतलब होता है, ये नाउन के तौर पे यूज करते हैं सलाह, और ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ये एडवाइस का सेंटेंस बना के देखते हैं, आई नीड योर एक्सपर्ट एडवाइस इन द मैटर, इस मुद्दे पर मुझे आपकी जो है ना एक्सपर्ट जो सलाह है ना वो चाहिए। तो ये हम नाउन के तौर पर एडवाइस यूज कर रहे हैं, ये एडवाइस हम वर्ब के तौर पर कहते हैं सलाह देना। प्लीज एडवाइज मी इन द इन दिस मैटर, कृपा करके मुझे इस मुद्दे पर सलाह दीजिए। सलाह दीजिए मतलब देना। तो ये हो गया। अब अगला देखें, एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, लवेबल, प्यार योग्य। शी इज एन एमिएबल गर्ल, वो प्यार योग्य लड़की, बहुत अच्छी लड़की है, प्यार योग्य है। एमिकेबल का मतलब होता है बड़ी फ्रेंडली तरीके से, मित्रवत तरीके से कोई चीज होना।
फाइनली दे हैव कम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। अंत में वो एक बड़े मित्र फ्रेंडली तरीके से उनकी आपस में हर चीज तय होगी, बिल्कुल सेटल होगी। अगले वर्ड देखते हैं, ये बेल और ये बेल बोलने में एक ही जैसे हैं, लेकिन ये बेल का मतलब होता है BALE, इसका मतलब होता है पैकेज, गांठ किसी चीज की। आई हैव सेंट यू 30 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने आपको 30 जो है ना गांठे वो भेजी है कॉटन की, कपास की, मैंने आपको 30 गांठे भेज दी है, जैसे व्यापार में कोई किसी को बोले। अब ये बेल, इसका मतलब देखो सिक्योरिटी या जमानत होती है, कोर्ट से जो बेल मिलती है, जमानत मिलती है, उसको बेल कहते हैं। द कोर्ट हैज ग्रांटेड हिम बेल, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। तो ये देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बोलने में एक ही जैसे हुए। अब ये बर्थ और बर्थ, ये BERTH, इसका मतलब होता है कि स्लीपिंग प्लेस इन ट्रेन, ट्रेन में जो सोने की जगह होती है ना, बर्थ बने होते हैं जो सीटें लेटने के लिए होती हैं, उनको कहते हैं बर्थ। और ये बर्थ का मतलब होता है जन्म, कमिंग ऑफ लाइफ, जिस दिन के कोई जिंदगी में आता है, दुनिया में आता है, उसको कहते हैं बर्थ। आई हैव बुक्ड 2 बस इन द ट्रेन, मैंने गाड़ी में ट्रेन में 2 बर्थ जो है सोने की जगह बुक की है। अब ये बर्थ, इसका देखे सेंटेंस, दिस इज माई बर्थ प्लेस, ये मेरा जन्म स्थान है। अब इसी तरह देखो बॉर्न एंड बॉर्न, बोलने में एक ही जैसे, यहां सिर्फ साथ में ई लग गया, लेकिन बोलेंगे तो एक ही जैसा आएगा। टू टेक बर्थ, इसका मतलब होता है जन्म। आई वॉज बॉर्न इन 1975, मैं 1975 में पैदा हुआ था, पैदा होने की को कहते हैं बॉर्न। ये बॉर्न का मतलब होता है सहन किया, सपोर्टेड। ही सफरिंग फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज, वो जो पानी से जो बीमारी होती है ना, उसको सहन कर रहा है, उसको उसकी बीमारी है। तो बॉर्न, वाटर बॉर्न यहां पे होगी, पानी से पैदा होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ब्राइडल और ब्राइडल, बोलने में ये भी एक ही जैसे हैं। ये ब्राइडल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू मैरिज, शादी से संबंधित। शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, वो अपनी शादी वाली जो ड्रेस है ना, शादी का जोड़ा है, उसमें बड़ी सुंदर दिख रही। ये ब्राइडल का मतलब होता है रिंग्स, लगाम। इट इज नॉट इजी टू ब्राइडल अ विशियस हॉर्स, ये इतना आसान नहीं होता कि जो बड़ा अड़ियल घोड़ा हो उसको लगाम डालना, उसको नकेल डालना। ये बैरन का मतलब होता है ए लैंड लॉर्ड, जमींदार, जैसे रमेश इज ए बिग बैरन, रमेश एक बहुत बड़ा जमींदार है। कई बार हम इसको दूसरी सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, जैसे शराब का कोई काम कर रहा हो, तो हम कई बार उसके लिए यूज करते हैं लिकर बैरन, उस फील्ड में बहुत बड़ा होना। ये बैरन का मतलब होता है, ये वाले स्पेलिंग जो BARRN, कोई नॉट फर्टाइल, अनपजाऊ, बंजर, दिस इज ए बैरन लैंड, ये जमीन बंजर है, अनपजाऊ है। ये बैंड और बैंड देखो, ये बैंड का मतलब होता है ग्रुप, समूह। अ बैंड इज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जो बैंड होता है वो म्यूजिशियंस जो म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हैं उनका एक समूह होता है। अब ये बैंड का मतलब होता है, बोल रहे हैं जैसे मेरे को बैंड बैंड, फॉरबिडन इसका मतलब प्रतिबंधित कोई चीज हो तो उसको कहते हैं बैंड। ड्रिंकिंग इज बैंड इन गुजरात, गुजरात में जो शराब है उस पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों हमने कुछ होमोनिम्स डिस्कस किए हैं, यानी के जो वर्ड बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी वर्ड हमने अभी यूज़ किए हैं वो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में पूरी तरह चले गए होंगे, और आप कभी भी चाहे एग्ज़ाम में आ जाएं या आपको बोलचाल में, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं इन वर्ड्स का होगा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ये वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर करें। तो अगली वीडियो में हम कुछ और होमोनिम्स लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।